नमस्कार साथियों, वेल तो साथियों जिस घड़ी का मैं इंतज़ार था, फाइनली लेवल 2 की आईवीआर कॉलिंग स्टार्ट कर दी जा चुकी है। इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको कुछ देर पहले ही अपडेट कर दिया कि लेवल 2 की आईवीआर कॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है और रिलेटेड क्वेश्चन जो स्किल बेस्ड पूछे गए थे वो भी डिस्कस किए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आईवीआर कॉलिंग को लाइव आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आपको लाइव आईवीआर कॉलिंग आएगा तो उसको आप किस तरह से पिकअप करेंगे, क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएँ। इसीलिए ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और जितने भी साथी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और लगातार आंसर्स करते जा रहे हैं लेवल 1 के क्वेश्चंस का, तो आप सभी भी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपको भी कभी भी कॉल आ सकती है आने वाले टाइम में। तो चलिए देख लेते हैं आईवीआर कॉलिंग की पूरी फुल रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। स्वागत है, कृपया हमें बताएं कि आप किस भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए, यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। तो आपने सुना साथियों, आपसे पूछा गया है कि मैं रजिस्टर करने वाले से पूछना चाहती हूँ कि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए, नहीं किया है तो 9 दबाइए। तो आपको यहाँ पे 1 ही दबाना है क्योंकि आपने रजिस्टर किया है। अगर 9 दबा देंगे, नहीं किया, तो कॉल वहीं पे कट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2024 और जून 2024 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं, पूछा गया है कि अगले राउंड के लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो मई और जून में आप मतलब ग्राउंड ऑडिशन अटेंड करने आ पाएंगे या अवेलेबल रह पाएंगे, येस और नो। तो आपको यहाँ पे साथियों येस का ही बटन दबाना है, ध्यान रखिएगा, नो दबाएंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आगे सुनते हैं। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर 26 अप्रैल 2024 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। कृपया अपना जेंडर चुनें। साथियों यहाँ पे आपने सुना कि आपको आपकी एज बीप के बाद डालने को बोला गया है। आपको जो है बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रहना है, जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन देंगी उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। ज़्यादा जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा, उसने फटाक से आपको आंसर नहीं देना, थोड़ा सा आराम से देना है, बीप के बाद ही दीजिएगा, पहले मत दीजिएगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इस बात को। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए, यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए, यदि आप अन्य हैं तो 3 दबाइए। कृपया वह स्थान चुनें जहां आप रहते हैं। मुंबई के लिए 1 दबाएं, दिल्ली के लिए 2 दबाएं, गुजरात दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए 3 दबाएं, महाराष्ट्र मुंबई को छोड़कर और गोवा के लिए 4 दबाएं, पंजाब यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए, यदि नहीं इनमें से कौन। तो साथियों आपने सुना, फिर आपसे आप जहाँ पे रहते हैं, जो प्लेस आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चुना था, वो एक एक करके यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आपको अपना नंबर ध्यान में रखना है, वो सारे ही बोलेंगी, जैसे आप दिल्ली और मुंबई से रहते हैं तो आपको 1 दबाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके सारे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे जहाँ जहाँ पे रहते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। आगे सुनते हैं। आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए, यदि आप स्वनियोजिता या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए। आईटी, बीपीओ या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए, यदि आप शिक्षक छात्र शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो कृपया 4 दबाइए, यदि आप एक किसान हैं या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं तो 5 दबाइए, यदि आप डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं तो 6 दबाइए, यात्रा और पर्यटन मीडिया और रिटेल क्षेत्रों के लिए 7 दबाइए, यदि आप एक गृहिणी कलाकार दैनिक वेतन भोगी हैं या अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं
तो 8 दबाइए। तो साथियों, आपने सुना, आपसे अब यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय पूछा गया, और आपको वही व्यवसाय और ऑक्यूपेशन यहाँ पे चुनना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान पे चुना था। आगे सुनते हैं कॉलिंग को। आप केबीसी हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ, तो 1 दबाइए। यदि नहीं, तो 2 दबाइए। और ये ही साथियों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप पिछले केबीसी या कोई भी रीजनल केबीसी की हॉट सीट तक पहुँचे हैं। अगर पहुँचे हैं तो यस, नहीं तो नो। तो यहाँ पे आपको नो ही करना है, क्योंकि आप नहीं पहुँचे हैं इसलिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, शाहरुख खान इनमें से किस फिल्म में भारत लौटने से पहले नासा में काम करते थे? स्वदेश के लिए 1 दबाएं, कल हो ना हो के लिए 2 दबाएं, माय नेम इज खान के लिए 3 दबाएं, कभी अलविदा ना कहना के लिए 4 दबाएं। स्वदेश, पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। तो सुना साथियों, आपसे जो हैं दो स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक के लिए आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर आपको बोला जाएगा कि आंसर आपको दबा देना होगा, और उसके बाद लॉक करने के लिए 9 ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। जब वो बोलती हैं ऑप्शन, उसके बाद आप करते हैं 1 2 3 4 में से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है। मान लीजिए स्वदेश सही है, तो आपने 1 दबाया, फिर वो आपसे बोलेगी कि लॉक करने के लिए 9 प्रेस करिए, तो 9 आपको दबा देना है। पहले से नहीं करना है, जब वो बोलेंगी उसी के अकॉर्डिंग चलते चले जाना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते। अब आपका दूसरा सवाल है, इनमें से बिहार के किस मुख्यमंत्री की पत्नी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? श्री नीतीश कुमार के लिए 1 दबाएं, श्री जगन्नाथ मिश्रा के लिए 2 दबाएं, श्री जीतन राम मांझी के लिए 3 दबाएं, श्री लालू प्रसाद यादव के लिए 4 दबाएं। श्री लालू प्रसाद यादव, पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं, तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी लेवल 2 की आईवीआर कॉलिंग। आपने सही से डिटेल में सुना, और साथियों आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, जब भी कॉलिंग आती है बिल्कुल आराम से अटेंड करना है। जैसे जैसे वो चीज़ें बोलती जाती हैं वैसे वैसे अब आपको उनके आंसर करते जाना है। और आप वीडियो को तो आप सुन ही चुके हैं, तो काफ़ी फैमिलियर हो चुके होंगे आईवीआर कॉलिंग से रिलेटेड। और जो दो स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उनका भी आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर दीजिएगा। तो साथियों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के बाद धन्यवाद। सभी को ऑल द बेस्ट आपकी आईवीआर कॉलिंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।